हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फांसी से एक रात दूर निर्भया के गुनाहगार। मैं नहीं खा रहा खाना, मुझे भूख नहीं। रो रहे हैं दरिंदे, तैयार है जल्लाद। क्या बात है, परेशान क्यों तू? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फांसी से पहले फांसी की पूरी कहानी। आप लोगों का वक्त हो गया, इनको फांसी कर ले। इंसाफ का फंदा। अभी घड़ी में 11 बजे हैं और इससे ठीक 6.5 घंटे बाद उन दरिंदों को फांसी पर लटका दिया जाएगा जिन्होंने 7 साल पहले निर्भया की जिंदगी छीन ली थी। जी हां, आज की रात निर्भया के गुनहगारों की आखिरी रात है और इसी बात से वो बेहद बेचैन है। जेल की सलाखों के पीछे शैतानों की आखिरी रात आखिर कैसे कटेगी? कौन उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगा और फिर कैसे उन्हें दी जाएगी मौत की सजा? आज सनसनी के महा एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा ये कहानी, फांसी से पहले फांसी की कहानी। आज दरिंदों की आखिरी रात है और ये रात जैसे ही बीतेगी शैतानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। जी हां, 7 साल पहले निर्भया के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार करने वाले दरिंदे कल का सूरज नहीं देखेंगे। कल सूरज उगने से पहले ही उन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी और इसी बात ने शैतानों के दिलों को खौफ से भर दिया है। वो जेल की सलाखों के पीछे बेचैन हैं। आज की रात आखिरी रात है और यही सोच सोच कर दरिंदों का दिल कांप रहा है। अपनी इस आखिरी रात में निर्भया की जिंदगी छीनने वाले वो चारों शैतान क्या कर रहे हैं? सनसनी में आज हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे। आज हम आपको दरिंदों के उन परिवार वालों से भी मिलवाएंगे जो फांसी से पहले रो पीट रहे हैं। दरिंदों के बिलखते परिवार वालों के साथ ही आज हम आपको निर्भया की माँ से भी मिलवाएंगे। वो माँ जो 7 साल तक इंसाफ के लिए लड़ी है और अब वो इस रात के बीत जाने का इंतजार कर रही है, क्योंकि इस रात के बाद ही निर्भया को मिलने वाला है इंसाफ। तो फाइनली हम सबको कल इंसाफ मिलेगा, निर्भया को भी इंसाफ मिलेगा। जी हाँ, कल सूरज निकलने के साथ ही निर्भया को इंसाफ मिल जाएगा। जिन दरिंदों ने गैंग रेप के बाद निर्भया की जिंदगी छीन ली थी, सूरज निकलने से पहले ही उन शैतानों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। जिंदगी की इस आखिरी रात में निर्भया के चारों गुनहगार क्या कर रहे हैं हम आपको यह दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले
निर्भया के गुनाहगारों के वकील एपी सिंह अपनी दलीलों से फांसी की सजा पर रोक लगवाना चाहते थे, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोई भी रेमेडी अब नहीं बची थी, इनके सारे राइट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर चुके थे, इसलिए पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से आज फिर इनको सुना और इनकी पिटीशन जो थी वो रिजेक्ट कर दी। कल सुबह 4:30 बजे कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 5:30 बजे इन चारों कन्विक्टेड को हैंग किया जाएगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की याचिका आज शाम करीब 4:30 बजे जैसे ही खारिज की, ये साफ हो गया कि अब दरिंदे बच नहीं पाएंगे। कल सुबह 5:30 बजे यानी कि अब से करीब 6.5 घंटे बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और इसी बात से निर्भया की मां बेहद खुश है। और अब देखिए जेल की सलाखों में कैद शैतानों की आखिरी रात की यह कहानी। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक निर्भया के चारों गुनाहगारों को जब तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ले जाया गया, उसी वक्त उन्हें एहसास हो गया था कि सब ठीक नहीं चल रहा है। दूसरे कैदियों से उन्हें पता चल गया था कि जेल नंबर 3 में ही फांसी घर है और फांसी पर चढ़ाने से पहले गुनाहगारों को जेल नंबर 3 में ही ले जाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक जेल बदलने के साथ ही ये चारों गुनाहगार कांप उठे और फिर उनकी नींद के साथ ही भूख प्यास भी गायब हो गई। ले, अले। मैं नहीं खा रहा खाना, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, परेशान क्यों तू? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी जेल नंबर 4 कैदी से बात कराओ। मैं बैठ जाओ, चलो बैठो पीछे। सो नहीं हुआ अभी तक, सो जाओ। कैसे सो, मुझे डरावने सपने आ रहे। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है, चक्कर क्यों काट रहा है तू? मुझे यहां क्यों रखा? मुझे ये जानना है सर, ये बता दीजिए हमें फांसी हो जाएगी क्या? जब नजरों के सामने फांसी की तारीख और वक्त टंगा हो तो बड़े बड़े अपराधियों का भी यही हाल हो जाता है। शैतानों की ये आखिरी रात है और आज की रात तो वो शायद ही सो पाएंगे। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक दरिंदों की ये आखिरी रात बिना नाले वाले पजामे कुर्ते, दो कंबल, प्लास्टिक की थाली और मग के साथ गुजरेगी। इसके अलावा उनकी काल कोठरी में कुछ भी नहीं होगा। आज की रात चारों दरिंदों को जो खाना दिया गया, उस खाने में रोटी, सब्जी और चावल था। तीन तो सिर्फ खाने को घूरते रहे, लेकिन एक दरिंदे ने थोड़ा सा खाना जरूर खाया। जेल सूत्रों के मुताबिक तड़के 3 बजे चारों दरिंदों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को जगा दिया जाएगा। पहले उन्हें नहलाया जाएगा और फिर नए कपड़े पहनने के लिए दिए जाएंगे। उठ जाओ, सुबह 5:30 बजे फांसी होनी है, उससे पहले तुम्हें नहाना होगा, चलो। ये नए कपड़े हैं, नहाने के बाद इसे पहन लेना, उसके बाद तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्या के चारों गुनहगारों को नहलाने और नए कपड़े पहनाने के बाद फिर उनसे पूछी जाएगी उनकी आखिरी ख्वाहिश। आप लोगों की कोई आखिरी विश या आखिरी ख्वाहिश हो तो आप हमें बता सकते हैं। जिस दिन फांसी लगनी होती है तो अगर हैंगमैन है, हैंगमैन अवेलेबल है,
तो हैंगमैन जाके उनको पहले 5-1 बजे जो है सवेरे उठा के 4-5 बजे करीब उठा देते हैं, कोई इसमें इतना फिक्स वो नहीं है, और उठ के उसको कहा जाता है कि आप नहा लो, वो नहा लेते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता अगर वो कहते हैं तो उनको चाय नाश्ता, चाय तो हर कोई पीता है, नाश्ता वगैरह कोई खाता है कोई नहीं खाता, और उसके बाद उनको चप्पल या जो भी उसने पहनी हुई है, चप्पल होती है जनरली ये हवाई चप्पल, उनके हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं जेल की कोठरी के अंदर। हाँ, जेल की कोठरी के अंदर हाथ को पीछे से बांध दिया जाता है और उनको चलाते हुए जो है वहां पे फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है। फांसी देने से पहले इसी तरह निर्भया के चारों गुनहगारों से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी और फिर शुरू हो जाएगा उनका आखिरी सफर। आप लोगों का वक्त हो गया, इनको फांसी कर ले चलो। बीस मार्च की सुबह जब निर्भया के चारों गुनाहगारों को फांसी घर में ले जाया जाएगा तो वहां पहले से ही जल्लाद चारों का इंतजार कर रहा होगा। खबर है कि चारों दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए पवन जल्लाद भी तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। पवन जल्लाद के मुताबिक अपराधियों को फांसी देना इसका पेशा है और इस पेशे में रहम की जरा भी गुंजाइश नहीं होती है। जब किसी अपराधी को इसे फांसी पर लटकाना होता है तो उस रोज ये सुबह तड़के 3-4 बजे ही जाग जाता है, फांसी की तैयारी करता है और फिर जेल अधिकारियों की देखरेख में अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। दो दिन पहले हमें बुलाया जाता है, उसका जो है रास्ता चेक कराया जाता, फिर तख्ता चेक कराया जाता, उसका फिर ट्रायल किया जाता कितने वेट का वो कैदी है और कितने वेट का हमें जो ट्रायल करना है, अगर 60 किलो तो 60 किलो मिट्टी भर जाएगी, 50 किलो तो 50 की, अगर 70 है 70 का, तो उसके बाद तो एक ईंट लगाई जाती है, गला बनाया जाता है उसका बोरे का, उसको फंदा लगा कर उसके बाद ट्रायल किया जाता ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। अच्छा, कितने दिन पहले आपको बताया जाता है कि अब आपको फांसी? दो दिन पहले या 4 दिन पहले, दो दिन पहले हम आपको, 2-3 दिन पहले आपको बुला लिया जाता हमें। उस कैदी से को देखने का मौका? कोई मुलाकात नहीं हमारी। अच्छा, कभी आप उससे नहीं मिलते? पहली बार आप उसको कब देखते हैं? नहीं, वो उसके बाद देखते जब हमारे वो फांसी के तख्ते पर आता है, उससे पहले आप उसको बिल्कुल नहीं देखते? नहीं। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि कितने लोग मौजूद रहते हैं जब आदेश का पालन किया जा रहा होता है? साहब रहते हैं, जेल डिप्टी जेल साहब रहते हैं, सिपाही रहते हैं और मैं रहता हूँ बस, डॉक्टर रहते हैं। अच्छा, और कितनी देर का ये प्रोसेस होता है उसको फंदे में लगाकर और जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाता है तो उसकी जान निकलने में कितना वक्त लगता है? करीबन कोई 20-25 मिनट, आधा घंटा, मतलब उसको चेक करके, हार्ट चेक करके उसको उतार लिया जाता है। पवन जल्लाद के मुताबिक किसी भी गुनाहगार को फांसी के फंदे पर लटकाना आसान नहीं होता है, इसके लिए एक जल्लाद को सख्त दिल होना ही पड़ता है और यही इस पेशे की सबसे बड़ी जरूरत है। रहम कहीं दिल में है आपके? अपराधी के लिए कोई रहम नहीं, जो अपराध करते हैं। कभी हाथ कांपते हैं फंदा लगाते हैं? कभी भी नहीं। जब ये हाथ कांपेगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा, स्ट्रांग रहना पड़ता। पवन जल्लाद फांसी के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल कर चुके हैं वो रस्सी खास तौर से बिहार की बक्सर जेल में तैयार होती है, जिसे मनीला रस्सी या मनीला रोप कहते हैं। ये बेहद मजबूत रस्सी होती है। कहा जाता है कि देश में जब भी किसी जेल के अंदर किसी गुनाहगार को फांसी पर लटकाने की तैयारी की जाती है तो बक्सर जेल से ही मनीला रस्सी मंगवाई जाती है। और अब सुनिए, कल सुबह 5:30 बजे जब सुरक्षा गार्डों की कड़ी निगरानी में निर्भया के गुनाहगारों को फांसी घर में ले जाया जाएगा तो फिर क्या होगा? फांसी वाले दिन सुबह सुबह जेल सुपरिंटेंडेंट की निगरानी में
निर्भया के चारों गुनहगारों को इसी तरह फांसी घर तक लाया जाएगा। फांसी के वक्त फांसी घर में जल्लाद के अलावा और भी अधिकारी मौजूद होंगे। एक मेडिकल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और जेल सुपरिंटेंडेंट। जेल सुपरिंटेंडेंट को फांसी से पहले मजिस्ट्रेट को ये खास जानकारी देनी होती है। मैंने वो चारों कैदियों की पहचान कर ली है। डेथ वारंट पर मैंने चारों कैदियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर के भी साइन ले लिए। ठीक है, आगे की कार्रवाई करें। ठीक है सर। मजिस्ट्रेट की इजाजत के साथ ही निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। फांसी के वक्त मौजूद जेल स्टाफ आपस में बात नहीं करते, चारों तरफ होती है सिर्फ खामोशी। और इसी खामोशी के बीच निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी के तख्ते तक लाया जाएगा। उनके हाथ पांव बांधे जाएंगे, सिर को काले कपड़े से ढका जाएगा और फिर आप चारों को मेरी राम राम। मुझे माफ करना, मैं अपने फर्ज के खातिर मजबूर हूं। मैं आपके सत्य के राह पर चलने की कामना करता हूं। और इसके बाद बारी आएगी फांसी की। फांसी के तख्ते से दूर खड़ा जेलर जैसे ही अपने हाथ में मौजूद रूमाल को गिराएगा, जल्लाद लीवर को दबा देगा और इसके साथ ही निर्भया के चारों गुनहगार झूल जाएंगे फांसी के फंदे पर। लीवर खींचने के आधे घंटे बाद निर्भया के चारों गुनहगारों की लाश को फंदे से नीचे उतारा जाएगा, लेकिन यह तभी होगा जब मौके पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर उनकी मौत की पुष्टि करेंगे। मौत की पुष्टि के बाद मजिस्ट्रेट, जेल सुपरिंटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर तीनों को डेथ वारंट पर साइन करना होता है, क्योंकि फांसी के बाद डेथ वारंट वापस कोर्ट में जमा करना होता है। फांसी के बाद निर्भया के चारों गुनहगारों की लाश उनके परिवार वालों को सौंप दी जाएगी। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि जिन कैदियों के परिवार नहीं होते, उनकी फांसी से पहले उनसे यह पूछा जाता है कि अंतिम संस्कार कैसे करना है। तिहाड़ जेल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब यहां एक साथ चार अपराधियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक निर्भया के चारों गुनाहगारों मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को फांसी देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जेल सूत्रों के मुताबिक इन चारों को फांसी देने के लिए तिहाड़ जेल नंबर 3 के फांसी घर में अब एक ही तख्ते पर एक की जगह दो लीवर लगाए गए हैं। इसके पहले इस फांसी के तख्ते पर एक ही लीवर हुआ करता था, लेकिन अब दो लीवर लगाए गए हैं और प्रत्येक लीवर में दो रस्से जोड़े गए हैं, यानी कि एक लीवर के जरिए दो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। जेल सूत्रों के मुताबिक दरिंदों की आखिरी रात में लगातार उन पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी और कैमरों के जरिए उनकी एक एक हरकत को देखा जा रहा है। वो जहां कैद हैं, वहां आसपास की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। फांसी के रस्सों को पूरी तरह से मुलायम करके उन्हें काले बक्से में रखा जा चुका है और ये बक्सा कल सुबह फांसी के वक्त ही खोला जाएगा। इंसाफ की घड़ी बेहद नजदीक है, सिर्फ एक रात का फासला है और फिर दरिंदों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। ऐसे में निर्भया की मां को इंतजार है इस रात के बीत जाने का। हम सबको कल इंसाफ मिलेगा, निर्भया को भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं थी, इस फैसले का सबको इंतजार था। एक रात बस बाकी है और वो फाइनली कल उनको 5:30 बजे फांसी होगी। हम सबको इंसाफ मिलेगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले ही निर्भया के गुनहगारों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, शैतानों को सजा मिल जाएगी। लेकिन फांसी से पहले अपने परिवार वालों से मुलाकात के बाद इन दरिंदों ने क्या कहा है,
सनसनी में हम आपको ये बताएंगे आगे। फांसी से एक रात दूर निर्भया के गुनाहगार। मैं नहीं खा रहा खाना, मुझे भूख नहीं। रो रहे हैं दरिंदे, तैयार है जल्लाद। क्या बात है, परेशान क्यों तू? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फांसी से पहले फांसी की पूरी कहानी। आप लोगों का वक्त हो गया, इनको फांसी कर लेते। इंसाफ का फंदा। फांसी से पहले हर गुनहगार को आखिरी बार परिवार वालों से मिलने का मौका दिया जाता है। निर्भया के चारों गुनहगारों को भी यह मौका दिया गया था, लेकिन चार में से सिर्फ तीन दरिंदों ने इस आखिरी मौके का फायदा उठाया। सिर्फ तीन गुनहगारों ने जेल की चार दीवारी में अपने परिवार वालों के साथ आखिरी मुलाकात की। वो तीन दरिंदे कौन है और उस आखिरी मुलाकात में क्या क्या हुआ, अब आप ये भी देख लीजिए। निर्भया के चारों गुनाहगार मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। अब से कुछ ही घंटे बाद इन चारों शैतानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन सजाए मौत से पहले इन दरिंदों को वो तमाम मौके दिए गए जो कानून की किताबों में दर्ज हैं। तिहाड़ जेल की काल कोठरी में बंद निर्भया के चारों गुनाहगारों को वो तमाम अधिकार भी दिए गए जो जेल मैनुअल में दर्ज हैं। जेल मैनुअल के तहत ही चारों शैतानों को फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले उनके परिवार वालों के साथ आखिरी मुलाकात का मौका दिया गया। सूत्रों के मुताबिक निर्भया गैंग रेप कांड के दोषी मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा ने अलग अलग वक्त पर अपने परिजनों से आखिरी मुलाकात की और वो आखिरी मुलाकात हुई तिहाड़ की जेल में बने हुए मुलाकाती कक्ष में। जेल सूत्रों के मुताबिक मुकेश, पवन और विनय को अंतिम मुलाकात के लिए करीब 30-30 मिनट की मोहलत दी गई थी। इनमें से एक दरिंदे ने पिछले महीने ही अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात की थी, जबकि दो शैतानों ने इस महीने के शुरुआत में अपने घर वालों से आखिरी बार मुलाकात की इच्छा जताई थी। सूत्रों के मुताबिक तीनों ही शैतानों को कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच उनके परिजनों से मिलवाया गया था। जेल के एक आला अधिकारी के मुताबिक जिन आरोपियों के परिजनों ने उनसे अंतिम मुलाकात की, जेल नियमों के मुताबिक उनसे आरोपियों को ना तो कुछ खाने को देने दिया गया और ना ही अन्य कोई सामान। जेल के आला अधिकारी ने कहा कि इस अंतिम मुलाकात के दौरान यह विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि आरोपी तक ऐसी कोई चीज पहुंच ना पाए जिसके चलते उसे कोई नुकसान हो या फिर वो बीमार हो जाए। जेल सूत्रों ने बताया कि अपने परिजनों से अंतिम मुलाकात के दौरान एक दरिंदा फूट फूट कर रोने लगा था। रोते रोते वो अपने परिवार के साथ बिताए पलों को याद करता रहा और घर के लोगों के साथ हुई पुरानी बातों का जिक्र करता रहा। वहीं निर्भया का एक गुनाहगार बहुत देर तक गुमसुम सा अपने परिजनों की तरफ देखता रहा और तीसरा शैतान फांसी से बेफिक्र नजर आया। उसने काफी देर तक अपने परिजनों से बात भी की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। सूत्रों के मुताबिक निर्भया के एक गुनाहगार ने अपने घर वालों से अपने कुछ रिश्तेदारों को अंतिम प्रणाम करने के लिए भी कहा। सूत्रों ने बताया कि एक आरोपी ने अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों के बारे में भी बातचीत की। निर्भया के गुनहगार पवन, मुकेश और विनय ने आखिरी मुलाकात के दौरान आखिरी बार घर वालों के साथ अपने दिल की बात की। लेकिन सूत्रों की माने तो निर्भया के चौथे गुनहगार अक्षय ठाकुर का परिवार अंतिम मुलाकात के लिए तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा।
तो फिर फांसी से ठीक पहले आखिर क्या कर रहे थे अक्षय ठाकुर के परिवार वाले, इस सवाल का जवाब दे रहा है ये वीडियो। रो रो कर इंसाफ की फरियाद करने वाली ये महिला पुनीता ठाकुर है। पुनीता निर्भया गैंग रेप केस के गुनाहगार अक्षय ठाकुर की पत्नी है और वो अपने पति को फांसी की सजा से बचाने के लिए गुरुवार को एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची थी। लेकिन कोर्ट ने जब चारों दरिंदों की फांसी की सजा पर आखिरी मुहर लगा दी तो अक्षय ठाकुर की पत्नी ने बीच सड़क पर रोना पीटना शुरू कर दिया। हम घर ना जाए, हम ही सर पटक के मर जाए, हमर बेटा कैसे जी, हम कैसे जी, आप कहां निकलने की नारी के विधवा बनावेला। दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने कोर्ट कैंपस के सामने ही काफी देर तक अपने बच्चे और परिवार के दूसरे लोगों के साथ हंगामा किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ ये हंगामा चल रहा था और दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में अक्षय के परिवार का इंतजार हो रहा था। जेल सूत्रों के मुताबिक निर्भया के गुनाहगार अक्षय ठाकुर के परिजनों को कई बार बताया जा चुका था कि वो अंतिम मुलाकात कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें 19 मार्च 2020 यानी आज 12 बजे तक की मोहलत दी गई थी। लेकिन आज दोपहर तक न तो अक्षय की पत्नी आखिरी मुलाकात के लिए तिहाड़ जेल पहुंची और न ही परिवार के दूसरे लोग अक्षय ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि सूत्रों की माने तो अक्षय के परिजन उससे सप्ताह में होने वाली दो मुलाकातों के दौरान जरूर मिलते रहे हैं, लेकिन फांसी से एन पहले वो अंतिम मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।